दोस्तों नमस्कार। आर्किटेक्चर एजुकेशन के नए स्टैंडर्ड्स लागू होने के बाद बड़े सारे मामलों में विचित्र सी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। पिछले साल तक आईआईटी और एसपीएस एनआईटीज वगैरह जेई के पेपर के बेसिस पे एडमिशन लेते थे। अब क्योंकि नाटा कंपलसरी हो गया है तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा अभी भी कि इन कॉलेज में एडमिशन जेई के रैंकिंग के आधार पे होंगे कि नाटा की रैंकिंग के आधार पे होंगे। और आईआईटी के बारे में तो अधिकतर लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम कि आईआईटी में जेई पेपर टू का रैंक नहीं चलता, जेई पेपर टू का स्कोर नहीं चलता। आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको जेई पेपर वन क्लियर करना है, एडवांस क्लियर करना है और उसके बाद आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। एसपीए दिल्ली में और एनआईटीज में जेई पेपर टू के मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन होते थे। इस बार क्योंकि नाटा कंपलसरी हो गया तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनसे नाटा क्लियर नहीं हो पाया है, और जिन लोगों से दो बार नाटा नहीं क्लियर हो पाया वो तीसरी बार भी नाटा में एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो ऐसे विद्यार्थियों का क्या होगा, ये मामला अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर विचलित होने की बजाय इंतज़ार करना चाहिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। जब तक आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको करते जाएं और कोशिश ये करें कि जो भी इम्तहान आप देने जा रहे हैं उस पर आपका पूरा फोकस हो और उसमें आप अच्छा रैंक ला पाएं। नमस्कार, धन्यवाद।